क्या आपको पता है हल्दी या चंदन से भी एलर्जी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हल्दी और चंदन से होने वाला एलर्जी के बारे में। हिंदू धर्म में जो महिलाएं शादीशुदा होते हैं उनका सिंदूर लगाना एक शुभ माना जाता है, इसीलिए वो अपने माथा में सिंदूर लगाते हैं। पुजारी लोग, जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, वो लोग भी कुमकुम लगाते हैं, कोई चंदन लगाते हैं और कुछ कुछ महिलाएं बिंदी लगाते हैं। तो ये सारे चीज में ऐसा क्या है जिससे एलर्जी होता है, जिससे खुजली होता है? एक्चुअली ये जब सिंदूर बनता है उसमें कुछ केमिकल यानी डाइज ऐड किया जाता है, जिसके वजह से इसका कलर बहुत अच्छा दिखने लगता है। तो चलिए जानते हैं ये कुमकुम कैसे बनता है। कुमकुम हल्दी से बनता है और इसमें कुछ डाइज डाला जाता है जिसके वजह से इसका कलर थोड़ा रेड लगने लगता है। डाइज में क्या क्या होता है? सुडान 1,4 अमीनोबेंजीन, ब्रिलियंट लेक रेडार, कनांगा ऑयल, ये सारे हो सकता है। और सिंदूर में मर्क्यूरिक सल्फाइड ऐड किया जाता है जिसके वजह से ये एलर्जी हो सकता है। और आपका बिंदी में जो स्टिकर रहता है, पीछे जो गोंद रहता है, चिपकाने वाला गोंद रहता है, उसमें कुछ केमिकल रहता है जैसे कि थायमर्सल, कोलोफोनी और पीटीपीबी यानी पारा टर्शियरी ब्यूटाइलफिनोल। तो ये सारे चीज के वजह से भी आपका एलर्जी हो सकता है। अगर किसी का ये सारे चीज से एलर्जी होता है तो क्या होता है? जहां पे ये सिंदूर लगाता है या कुमकुम लगाते हैं वहां पे खुजली होने लगता है। कुछ दिन के बाद वहां पे लाल रंग का रैशेस आ जाता है। इसके बाद अगर वो उसको लगाना नहीं छोड़ता है, बार बार लगाता रहता है, तो वहां पे वो स्किन थोड़ा मोटा होने लगता है और वहां पे पानी निकलने लगता है। किसी किसी लोग का वो जगह में ऐसा एलर्जी के साथ साथ वो जगह व्हाइट हो जाता है यानी सफेद हो जाता है। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास विटिलिगो यानी सफेदी बीमारी के डर से हमारे पास आते हैं। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? आप पहले अपने आसपास जो भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाइए, एक बार कंसल्ट करिए, वो देख के डायग्नोसिस कर लेंगे कि आपका ये सिंदूर या कुमकुम से एलर्जी है और वो आपको सजेस्ट करेंगे पहले कि आप इसको पहले अवॉइड करिए, इसको लगाना बंद करिए। अगर नहीं बंद कर पाते हैं तो आपका ये एलर्जी जल्दी से ठीक नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो आपको कुछ क्रीम देंगे, स्टीरॉइड का क्रीम देंगे, जिससे आपका खुजली कम होगा, आपका रैशेस कम हो जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा है हो सकता है आपको खाने के लिए कुछ दवाई दे, जैसे कि आपका एंटी हिस्टामिन दवाई आता है, आपका लेमोसिट्रिजिन, सेट्रिजिन, फेक्सोप्रिडिन, ये भी हो सकता है। और एक्सटेंसिव केसेस में आपका वहां पे इंजेक्शन भी दिया जा सकता है और खाने के लिए स्टीरॉइड भी दिया जा सकता है। तो आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे? कुछ कुछ महिलाएं बोलते हैं हम सिंदूर या कुमकुम को छोड़ के नहीं रह सकते हैं, उनके लिए लगाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लिक्विड जो लिपस्टिक होता है उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप होममेड सिंदूर घर में बना सकते हैं। तो ये होममेड सिंदूर कैसे बनाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आपको एक चम्मच हल्दी लेना है, उसके साथ एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है और ये सारे मिलाना है आपको मिक्स करके। उसमें नींबू काट के उसका पानी डालना है और जो मिक्सर होगा उसको धूप में सुखा दीजिए। धूप में सूखने के बाद ये रेड कलर आ जाता है। पूरा एग्जैक्टली रेड तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत रेड होगा और इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का ये टर्मेरिक यानी हल्दी से भी एलर्जी होता है तो आपको लिपस्टिक ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऑर्गेनिक सिंदूर अलग से आप ट्राई कर सकते हैं पैच टेस्टिंग करने के बाद। और किसी का अगर बिंदी से एलर्जी है तो बिंदी का एलर्जी हमने बोला उसका जो पीछे चिपकाने वाला गम रहता है उससे होता है, तो इसको आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमने जिस तरीके से आपको सिंदूर बनाने के लिए बोला है ये आप ट्राई कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था बहुत ही छोटा सा टॉपिक कुमकुम एलर्जी के बारे में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू, नमस्ते, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।